और कल की 2898 के मेकर्स काफी चतुराई से खेल रहे हैं भाई, इन्हें समझ में आ चुका है कि मूवी की हाइप जो है सॉलिड है और अभी यहाँ पर उठाना चाहिए फायदा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि कल से डींगे हांक रहे थे कि भाई कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। खैर बड़ा तो मिला है, लेकिन उम्मीद एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। सोच रहे थे कि शायद प्रीलिम्स निकल जाए, क्योंकि प्रीलिम्स की बात चल रही थी कि भाई मूवी में क्या मिलेगा। उससे पहले एक सार पूरा वो बताने वाले थे कि वहां से मूवी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो नहीं मिला। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ है अश्वत्थामा का, और अश्वत्थामा के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध से शुरुआत, मतलब वहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ कैसे वो पहुँचे हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एंड जो भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ है अश्वत्थामा यानी अपने अमिताभ बच्चन का, भाईजान सॉलिड है, धमाकेदार है भाई, लुक दमदार है, जबरदस्त होने वाला है। और वो जो बच्चा जो डायलॉग बोल रहा है कि आपको मतलब आप भगवान हैं क्या, आप मतलब अमर हैं क्या, इस टाइप से, तो भाई वो चीज दमदार लगी है। नाइस। तो अश्वत्थामा की बात करें तो बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई अश्वत्थामा तो मारा जा चुका था महाभारत के युद्ध में, तो यहाँ तक कैसे पहुंचा, मतलब इस कलयुग तक कैसे पहुंचा। तो भाई इसके पीछे बहुत ठोस रीजन है कि जब कल्कि बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसे गाइडेंस कौन देगा, और इसके लिए अश्वत्थामा को बचा के रखा गया है। विधि का विधान है जो लिखा गया है कि भाई कलयुग में जब कल्कि बड़ा हो जाएगा, कलयुग को मारने के लिए जाएगा, तो उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो गाइडर साबित होंगे हमारे अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन। तो बहुत से लोगों का कहना होगा कि भाई वो तो अब महाभारत में मारा जा चुका है, तो भाई वहाँ पर वो मारा नहीं गया था। दूसरा कि इससे भी पहले चलते हैं महाभारत युद्ध से पहले, तो द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी ऐसी करके नाम है, तो इनकी संतान थी अश्वत्थामा, जो बहुत तपस्या करने के बाद भगवान शिव से वरदान में मिला गया था। और उनके माथे पर एक जो मणि थी जिसकी वजह से वो ना पशु पक्षी इंसान ना नर किसी से भी नहीं मारे जाएंगे, और ना पत्थर से ना कोई अस्त्र शस्त्र, मतलब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लगभग वो अमर थे, इस टाइप का उन्हें वरदान मिला है भगवान शिव से। तो विधि का विधान ये है कि भाई साहब कलयुग तक पहुंचने के लिए अश्वत्थामा को ये वाला वरदान दिया गया था, और यहाँ पर आकर वो कल्कि को जो है गाइडेंस देने वाला है। दूसरा थोड़ा हिस्ट्री में और जाते हैं कि भाई साहब अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा ही क्यों पड़ा। तो जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म होते ही उनके मुंह से थोड़ी सी हिनहिनाने की आवाज आई, जिस वजह से उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया है। और महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का वध नहीं हुआ था, बस द्रोणाचार्य को मारने के लिए, क्योंकि इन दोनों की जो जोड़ी थी, जो इन दोनों का जो कॉम्बो था द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का, इन्होंने पांडवों की पूरी नींव हिला के रख दी थी, सबको तहस नहस कर डाला था, क्योंकि पांडव उस टाइम पर थोड़े से डोमिनेंट होने वाले थे, लेकिन पूरी बाजी पलट दी थी। दैट्स वाई कि कृष्ण ने कहा कि भाई इन दोनों की जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो कूटनीति खेलना पड़ेगा, दोनों की जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है पांडवों का, वरना कौरव पांडवों पर जीत हासिल कर लेंगे। तो यहाँ कूटनीति ये चली गई थी, जो युधिष्ठिर थे धर्मराज युधिष्ठिर, जिनकी बातों का बहुत मोल था, और लास्ट में एक बात, मतलब ये अफवाह फैलाई गई थी कि भाई अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन कौन, हाथी यानी गज अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य को फिर भी यकीन नहीं हुआ था, उन्होंने युधिष्ठिर की तरफ एक वो लास्ट कंफर्मेशन लेना चाहा था कि मारा गया है या नहीं मारा गया है, लेकिन युधिष्ठिर ने भी अपने धर्म का पालन किया जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, वो हमेशा सच बोलते थे, और उन्होंने सच ही बोला कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन थोड़ी सी मंद आवाज में हाथी, धीरे से मंद आवाज में गज बोला, यानी युधिष्ठिर ने अपना काम कर दिया, जो वो सत्य वचन हमेशा बोला करते थे कि भाई मैंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण ने जो कूटनीति खेली, जो चाल खेली कि शंखनाद कर दिया, और इतनी भारी आवाज में कि जो गज तक वो जैसी पहुंच पाए थे, क्योंकि श्री कृष्ण को मालूम था ये बंदा जरूर बोल देगा, इसे सच बोलना ही बोलना है, और उन्होंने तुरंत ही शंख बजा दिया, जिससे गज की आवाज़ सुनाई नहीं दी, इतना ही सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है। और वहाँ पर द्रोणाचार्य को बहुत ज़्यादा शोक विलाप हुआ, तुरंत उन्होंने अपने सारे अस्त्र त्याग दिए और जमीन पर ऐसे ही बैठ गए, और पीछे से कोई आया, मेरे को उसका नाम पता नहीं है, और उनके धड़ को अलग कर दिया, सर से धड़ को अलग कर दिया।
तो ये सारी कूटनीति खेली गई थी, तब जाके ये जोड़ी टूटी थी और तब जाके पांडवों को कोई राहत मिली कि भाई आगे जाके ये हो सकता है। और अश्वत्थामा मतलब एक बार के लिए उन्हें दिमाग में ये भी नहीं आया कि अश्वत्थामा अजय अमर रहने का जो उनके पास वरदान है वो चीज़ भी उनके दिमाग में नहीं आई। और ये चीज़ विधि का विधान ये है कि ये चीज़ कलयुग के लिए बचा के रखी गई थी, क्योंकि कल्कि को गाइडेंस करने के लिए, कल्कि को गाइड करने के लिए, कलि से लड़ने के लिए तैयार कौन करेगा भाई? अश्वत्थामा तैयार करेगा, जो अपने इस ग्लिम्स में कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि कलयुग का लंबे द्वापर युग से कलयुग का मैं इंतजार कर रहा हूँ विष्णु के दसवें अवतार यानी कल्कि के लिए, बस वहाँ जाकर उन्होंने ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि कलि के लिए प्रिपेयर करना है कल्कि को, तब जाके वो उसे नरसंहार मतलब उसे ख़त्म करेगा और दोबारा से सतयुग का शुरू हो जाएगी। तो ये सारी कहानी वैसा मूवी में मिलने वाली है। बहुत वेट है कि प्रीलिम्स कब आएगा और टीजर कब आएगा, उम्मीद थी कि आज आ जाएगा, लेकिन जो भी करेक्टर इंट्रोडक्शन किया है इस हिसाब से अमिताभ बच्चन का भाई डेडलीस्ट है, देख कर मज़ा आएगा। बाकी इस ग्लिम्स को अगर देख लिया है अमिताभ बच्चन के यानी अश्वत्थामा के इस करेक्टर इंट्रोडक्शन को देख लिया तो आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और कौन कितना एक्साइटेड है नीचे अपना एक्साइटमेंट जरूर शेयर करके जाना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी इससे जुड़ी और भी कुछ बातें आपको पता हो तो जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो पर।